सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गर्मियों का मौसम तो शुरू हो गया है एंड गर्मियों में सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो है आइसक्रीम। बट आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे फ्रोजन डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो देखने में तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसी होगी बट टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो आज की रेसिपी का नाम है सोबे। तो आइसक्रीम और सोबे में यही फ़र्क है कि आइसक्रीम जो है उसमें दूध और क्रीम का यूज़ होता है एंड सोबे जो है वो प्योर फ्रूट प्योरे से बनता है। तो मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी सोबे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज। तो स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं एंड शुगर या हनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ सिनेमन पाउडर। तो ब्लेंडर, ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर की मदद से जो आप स्ट्रॉबेरी का फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका थिक पेस्ट बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं क्रंची फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से काजू, थोड़े से भिगोए हुए कटे हुए बादाम एंड थोड़ी सी किशमिश। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एक बार हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि हमें ओवर ब्लेंड नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करना है, इनको पीसना नहीं है। तो इसके बाद आप किसी बर्तन में इसको डाल के जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे। तो गाइज, हमारा स्ट्रॉबेरी सोबे जो है वो रेडी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, प्लेटिंग करूँगी, इसको सर्व करूँगी एंड ठंडा ठंडा जो है आप सोबे जो है स्ट्रॉबेरी सोबे वो खाने के लिए एकदम तैयार है। सो गाइज, अब इंतज़ार किस बात का है, आप भी इन गर्मियों के मौसम में जो है वो ठंडे ठंडे स्ट्रॉबेरी सोबे का मज़ा ले सकते हैं। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी एंड आई होप आपको ये रेसिपी एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे भी मैं आपके साथ इतनी ही टेस्टी एंड अमेजिंग रेसिपी शेयर कर पाऊँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।